हो जाएगा भाई। दिख ओके हेलो, आवाज आ रही है क्या? मुझे कंफर्मेशन दे दो यहाँ पे, आवाज आ रही है क्या आपकी? चैट में लिखो यस नो। हेलो हेलो, नहीं ये दिख रहा तो है यहाँ पे। यहाँ पे मैसेज करो, कोई आवाज आ रही है कि नहीं नीचे चैट में। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस सर, आवाज आ रहा है। ओके ग्रेट, चलेगा। वेट करते हैं, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग भी रहेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है चलो, आज से हमारे लाइव क्लासेस चालू होंगे। सही है, फोटो बुक डिज़ाइन का देंगे, नॉट एल्बम डिज़ाइन, फोटो बुक एल्बम डिज़ाइन, पूरा फोटो बुक्स, बर्थडे, मैटरनिटी, सब चीज़ें वहाँ पे होगी। ओके जो, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लेंगे बेसिक्स ऑफ फोटो बुक एल्बम डिजाइन। तो बेसिक्स हम देखेंगे, तो बेसिक्स में क्या क्या आएगा वो पार्ट हम देख लेते हैं। सही है, तो बेसिक्स में सबसे पहले होता है यहाँ पे साइजेस। साइजेस में इंचेस में हम लेते, देखेंगे हम आगे, मैं बताऊंगा भी आपको, इंचेस में लेंगे। सही है, इंचेस में लेने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे उसको रिजोल्यूशन क्या रखना है, रिजोल्यूशन के बाद कलर प्रोफाइल क्या रखना है। ठीक है, आज पूरा बेसिक लेंगे, जो सभी लोग जो नए होंगे उनको भी पता चल जाए कि क्या ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वो सब उसमें देख लेंगे। ठीक है चल, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है, तो एल्बम साइजेस ऑल इंडिया में 95% बोल लो कौन सा होगा यूज, होता है 12x36। ठीक है, 12x36 एल्बम। एक बार मेरे को रिकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम हम लाइव है यहाँ पे, कहीं पे कोई इशू ना आए। सही है, ओके डन, सब सही चल रहा है। कोई होगा तो मुझे आप बता देना यहाँ पे चैट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो 12x36 होता है, बाद में होगा यहाँ पे अलग डिफरेंट साइज, मतलब फॉर एग्जाम्पल 17x24 के एल्बम होते हैं, 12x24 का स्क्वेयर एल्बम होगा ये। ठीक है, अभी आप पूछोगे स्क्वेयर एल्बम हम कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे बर्थडेज के लिए यूज कर सकते हो, प्री वेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, बर्थडे प्री वेडिंग हो गया, और क्या बोलेंगे उसको, मैटरनिटी, यहाँ पे ही यूज हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हो गए वो आप वेडिंग के लिए वहाँ पे लेके चले जाओ, वहाँ पे वो सही से चलेगा हमारा, डन। ठीक है, तो साइजेस में तो इतने हो गए। हम अभी आप क्वेश्चन होगा कि हम कौन सा करेंगे, तो हम करेंगे ये वाला 12x36 का एल्बम, मैक्सिमम 95% यूज हो रहा है, तो अभी हम वही सीखेंगे। ठीक है, जब ये होगा ये भी पार्ट देखेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे साइजेस में आगे जाके ये भी पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो साइजेस का क्लियर हो गया होगा, लाइक जो भी मैं अभी आज लेक्चर ऐसा ले रहा हूँ कि कोई बिगिनर्स भी होंगे यहाँ पे। सही है, कोई बिगिनर्स होंगे यहाँ पे, तो उनका भी सोच रहा हूँ यहाँ पे, तो पूरा बेसिक चीजें वो आज ले लूंगा, कौन से टर्म्स यूज होते हैं उसमें वो सब ले लेंगे आज। फिर कल से हम और कुछ नया नया पार्ट इसमें सीखेंगे। ठीक है चलो, तो सबसे पहले देखो फोटोशॉप में तीन चीजें बेसिक होती है। पहले तो ओपन करना, नहीं तो न्यू डॉक्यूमेंट करना। सही है, फर्स्ट स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप होता है ओपन किया है तो क्लोज करना, क्लोज करना एंड सेव करना, इसको भी सेव एंड क्लोज कह दो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तीन चीजें हो गई, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर हो गया। तो सेकंड क्या है, तो उसमें एडिटिंग आ गया, ठीक है, उसमें आपका मैनिपुलेशन बोले तो वो आ गया, आपका डिजाइन पार्ट आ गया, वॉट एवर जो आपका वो सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। तो न्यू सबसे पहले हम इस पे चलते हैं आज, न्यू पे, ठीक है। ये पार्ट सेकंड पे लिखा है, मतलब ये पूरा डेप पार्ट है, इसके ऊपर हम जाएंगे आज। वन नंबर पॉइंट एंड थ्री नंबर पॉइंट भी डिस्कस कर लेते। तो फोटोशॉप में न्यू ओपन कैसे होता है, ठीक है, जो न्यू कैसे ओपन होता है हम देख लेते हैं जस्ट अभी। वेट, मेरा यहाँ पे वीडियो नहीं चल रहा है, जस्ट वेट राइट, एक बार यहाँ से देख लू मैं, एक बार ऑन ऑफ, ठीक है। नहीं तो मैं मेरा वीडियो हटा दूंगा, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है, मैं वीडियो हटा देता हूँ मेरा। ओके, मैंने वीडियो यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हटा ही देते, डन। ओके, मेरा वीडियो नहीं दिखेगा, आपको वॉइस दिखेगा, वॉइस पे हम देख लेंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप जो स्क्रीन रिटचिंग के ये रहे हो वो अभी नहीं देखे, जो हम ले रहे हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन हो, ठीक है। हाँ, 1440 वगैरह ये भी साइजेस होते हैं, हमने बेसिक बेसिक ले लिए, साइजेस बहुत होते हैं, हमें जस्ट मैंने बता दिया राइट। साइजेस का एक बार पूरा गाइड इंस्टाग्राम पे मैं पूरा डाल दूंगा, वो वहां से आप वो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पूरा डेप्थ वीडियो आएगा तब हम वो देख लेंगे। अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं, कोई जो नया है उसके लिए, ठीक है। बाकी जो रिटचिंग वगैरह आप लिख रहे हो यहाँ पे चैट में, वो सब पार्ट हो ही जाएगा, ओके, उसका भी इतना कोई इश्यूज नहीं है। चलो, तो ये मैं बता रहा था कि न्यू ओपन करना, ठीक है, ओपन करना, न्यू डॉक्यूमेंट करना राइट, इमेज को, उसको सेकेंड स्टेप में उसमें हम कुछ तो करेंगे, थर्ड स्टेप में होगा वो क्लोज हो जाएगा, नहीं तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट वहां पे होगा। चलो, फर्स्ट है न्यू, न्यू में चले गए। देखो यहाँ पे ये है कि बहुत लोग मार खा जाते हैं कि बाद में वो प्रिंटिंग गलत हो जाता है, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है, फिर वो आपको काम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो एक हमेशा याद रखो, जो भी चीजें प्रिंट होती है वो होती है इंचेस में राइट, फीट में भी होती है, वो होगी कौन सी, फ्लेक्स वगैरह। नॉर्मल चीजें जो है, जो कम कम 85 इंच तक जो है, हम अगर हम पकड़े तो वो सब इंचेस में ही होगी, ठीक है। पासपोर्ट होगा तो वो कभी इंचेस में नहीं होगा, सेंटीमीटर्स में ही होगा, मिलीमीटर्स में होगा। तो सबकी चीजें यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमारा जो एल्बम का होगा तो वो क्या होगा कि इंचेस में करना, तो इंचेस में मैं चला गया, तो इंचेस में क्या होना चाहिए, 12x36। अभी 12x36 सब इंचेस में साइज देंगे, याद रख लो आप, ठीक है, 12x36। अभी हम 12x36 का पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो विड्थ मैंने यहाँ पे 36 लिख दी, हाइट 12 होगी, ठीक है। इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, 18x12 हो जाएगा राइट, 50-50 पार्ट उसका। इंचेस क्या, यहाँ पे पिक्सल रेजुलेशन राइट। तो रेजुलेशन मतलब क्या कि वो पिक्सल पर इंच, मतलब कितने पिक्सल होगा एक इंच, 1 by 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 300 होने चाहिए। तो जो भी चीजें प्रिंटिंग होती है, ठीक है, उसका रेजुलेशन हमेशा 300 ही होगा। आपको अगर सोशल मीडिया पे कुछ डालना वगैरह हुआ तो वहां पे आप रेजुलेशन 72 रख सकते हो, ठीक है। कलर मोड है वो आपका RGB रहेगा, 8 BT रहेगा आपका, ठीक है। बैकग्राउंड कंटेंट व्हाइट ही रखना है क्योंकि व्हाइट शीट पे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अभी एडवांस ऑप्शन है वो क्लिक करना है। यहाँ पे जो कलर प्रोफाइल होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे बहुत है, एडोबी का है, एप्पल का है, ठीक है, प्रो फोटो का है, हमको कौन सा लेना है, sRGB लेना है। हमेशा याद रखना कि हमको sRGB लेना है, वो ले लिया हमने, यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्रिएट, ठीक है। और ये पिक्सल्स क्वेरी आपका होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन देख लो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि जो न्यू डॉक्यूमेंट क्या था, ओपन करना मतलब क्या कि इमेज ओपन करना। तो इमेज ओपन करने के तीन तरीके हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ से ओपन कर लो, या डबल क्लिक करो, ठीक है, वहां पे आपका एक ओपन हो जाएगा, नहीं तो क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो वो तो सभी को पार्ट नॉर्मली आता ही होगा, ये कंसिडर करके मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अभी होते हैं टूल्स, हमें हमेशा याद रखना कि जब डिजाइन होगा ना तब मैं ये नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे केदार का क्वेश्चन है, सर 8 बीट से ज्यादा रखने से क्या होगा। देखो 8 बीट वो जो है वो पार्ट, टेक्निकल पार्ट राइट। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, 1 बीट
ठीक है, थोड़ा पार्ट है उसका, वैल्यू 2 हम पकड़ लेते हैं, समझे, 2 वैल्यू। तो 8 बिट जब हो गए तो आपको क्या करना, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। कितने बार हो गए यहाँ पे, 4 बार, 5, 6, 7, 8। जब ये मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स कितने आएंगे, 256, टू फिफ्टी सिक्स ये नंबर्स आएंगे। तो 256, अभी आप पूछोगे कि 256 क्या होता है, राइट, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये टेक्निकल टर्म्स है, तो सबको रेकमेंड है कि आप पहले वहां पे जाओ, फोटोशॉप का जो सीरीज आपको देखने को कहा है वो देखो आप, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीजें ली है। यहाँ पे हम फोटोशॉप का नहीं देखेंगे, सही है, यहाँ पे अगर फोटोशॉप का देखेंगे फिर डिजाइन पार्ट अलग होता है, राइट। अभी तक तो हो क्या रहा है कि आपको डिजाइन के नाम के नीचे सॉफ्टवेयर ही सिखा रहे, जो भी कोई है, सही है ना, वही होता है, डिजाइन के नाम नीचे आपको सॉफ्टवेयर सिखा देते हैं, फिर आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर आना मतलब ही डिजाइन करना होता, तो ऐसा नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर का जो सीरीज है ठीक है, 0 to 0 का नहीं, 0 to 0 का, सॉरी, वो आप देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलो देखो, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पे चीजें इजी कर देता हूँ। चलो यहाँ पे गया मैं, ठीक है, ये पार्ट में नहीं लेता, इस टेक्निकल पार्ट में जाने देते हैं, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी ले लिया, इसलिए अभी नहीं, वो सीरीज देखो आप, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो 256 कलर्स मिल गए हमको, ठीक है, 256, तो RGB 3 कलर्स हो गए, तो 256 इंटू 256 इंटू 256, ठीक है, तो इतना होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, सही है, यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेटर, 256 इंटू 256 इंटू 256, ठीक है, तो ये कितने आ गए यहाँ पे, 1 करोड़ 60, ये जो व्हाटएवर नंबर आया 167, ये जो नंबर व्हाटएवर जो आया, ठीक है, करोड़ में नंबर आया। तो ये कलर्स कहाँ पे है, तो ये कलर्स यहाँ पे है पूरे, आप यहाँ से लगा के यहाँ तक चले जाओगे तो इसमें इतने कलर्स वो अवेलेबल है, ओके। तो अभी बात आती है यहाँ पे कि 16 बिट, राइट, जो क्वेश्चन आया कि 8 बिट और 16 बिट पे, तो 16 बिट का आपका कैसे होगा, तो सेम 2 को आपको 16 टाइम्स करना होगा, तो उसमें कलर्स ज्यादा होंगे, राइट। जो कैमरा रॉ में फोटो, रॉ फोटोज होते हैं वो 16 बिट्स में होते हैं मैक्सिमम टाइम, क्यों, क्योंकि उसमें हम ज्यादा कुछ प्ले कर सकते हैं, जब कलर्स ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा उसमें प्ले कर सकते हैं, पर हमारे लिए वो चीजें नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें 8 बिट को ही लेके जाना है, राइट। तो एक बोलते हैं यहाँ पे कि आप शॉर्टकट्स भी बताए हो, ठीक है, तो शॉर्टकट्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जब मैं सिखाऊ, राइट, तो यहाँ पे देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोटोशॉप का आपका इंटरफेस क्या है, ठीक है, वो बहुत मैटर करेगा कि आपका फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों का क्या होगा, यहाँ पे हिस्टोग्राम लगा होगा, अनवांटेड चीजें है जो कभी यूज नहीं करते वो होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको क्या होना चाहिए आइडिया, मैं आपको बताता, अभी हटा के हटाता हूँ सभी, क्लोज टैप किया, क्लोज किया, सही है, सब मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। आपको करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर बंद कर देता हूँ, लोड लेंगे, ठीक है, चलो कैलकुलेटर बंद, ठीक है, सब हटा दिया। आपको जाना है विंडोज में, लेयर्स पे क्लिक कर देना है, तो लेयर्स आ जाएंगे आपके पास, विंडोज में जाके प्रॉपर्टीज का जो पैनल है वो ऑन कर देना है, बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पे आपकी ये चीजें होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, राइट, कभी भी फोटोशॉप भी में आपको सीखना हो, राइट, तो आप देख के भी अच्छे से सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको 4 जगह पे आपका ध्यान होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट टूल बार, ये कौन सा टूल सिलेक्ट है, ठीक है, टूल कौन सा सिलेक्ट है, क्या होता है वहां पे, किसको सिलेक्ट किया जाता है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। बाद में ऊपर, इसको हम बोल देंगे टूल का प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, टूल प्रॉपर्टीज, नॉट अ मेनू बार, जो भी, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट किया, तो ब्रश टूल के प्रॉपर्टीज यहाँ पे, ब्रश का साइज क्या है, मोड क्या है, ओपेसिटी क्या है, फ्लो क्या है, स्मूथिंग क्या है, सब पार्ट ब्रशेस रिलेटेड की टूल प्रॉपर्टीज। मेनू बार, अभी आप पूछोगे कि मेनू बार क्या है, तो मेनू बार ये है जहाँ पे हमारे पास मेन्यूज है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर आपका टूल प्रॉपर्टीज पे ध्यान होना चाहिए, थर्ड ध्यान आपको होना चाहिए जनरल प्रॉपर्टीज, तो जनरल प्रॉपर्टीज किसकी हो सकती है, ठीक है, तो सभी की हो सकती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बोलने को जाए तो
एडजस्टमेंट लेयर की हो सकती है, टेक्स की हो सकती है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे आगे। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया यहाँ पे लेयर्स, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे बताओ नीचे, मैं यहाँ पे रुकता हूँ कि ये पॉइंट समझ में आ गए अभी तक। बाकी के आपके क्वेश्चन छोड़ो, रिटचिंग वो जो बेसिक से सीख रहे वो मेरे को बताओ, क्लियर है क्या? लाइक अभी 20 लोग देख रहे, ग्रुप में कितने लोग हैं? 400 लोग हैं, 20 लोग देख रहे, राइट। रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बताओ मेरे को यहाँ पे, मैं वेट करो, आप कमेंट करो नीचे। हाँ ओके, चलो क्लियर है। लोकेश, एपेक्स, ठीक है, ओके चलो। तो यार चार जगह आप पे होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे टूल्स पे आते हैं, थोड़ा टूल्स का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सही है, तो फिर आगे हम देखते हैं। चलो टूल्स, टूल्स अभी यहाँ पे देखो, अभी आप मेरे साथ लाइव होते क्लास में तो आपको बहुत मजा आता, राइट। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करवाता हूँ, राइट। अभी टूल्स क्या होते हैं, राइट, सिंपल है कि टूल्स क्या होते हैं। टूल्स इसलिए होते हैं कि हमारा काम उससे आसान हो जाए, ठीक है, एकदम इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे टूल्स मतलब होता है साधन, राइट। वो कुछ तो पर्पस से क्रिएट किया होता, उसका कुछ पर्पस। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एकदम इजी एग्जाम्पल ले ले हम, ठीक है, टूल। फॉर एग्जाम्पल ले, चलो जो हथौड़ी होती है, ठीक है, अब स्पेलिंग जाने देना आप, किले ठोकने के लिए उसका यूज करते हैं। पर कहीं पे रॉड वगैरह करने होंगे तो वहां पे हथौड़ा होगा। हथौड़ी और हथौड़ा में फर्क होता है, सही है। छोटे किलो के लिए हथौड़ी, बड़े के लिए हथौड़ा होगा। तो ये टूल है, इसका पर्पज है कि बड़ी चीज के लिए बड़ा होगा। तो सेम टूल्स ये फोटो एडिटिंग के लिए हो गए। तो फोटो में कहीं पे कुछ करना हुआ उसके लिए टूल्स हो गए, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपके आते हैं ना, वो मेरे को तकलीफ दे रहे। तो मेरे को चैट देखो कि नहीं, वो क्वेश्चन अभी वो स्क्रीन का पूछ रहे हैं कि अभी आप पे क्वेश्चन है कि लाइव, अभी आप लाइव ही करो, ठीक है। अगर आप फोटो पे आपके शूट्स होते हैं तो करो। अभी लाइव में यूट्यूब पे रखूंगा नहीं रखूंगा वो मेरे ऊपर है कि रखना कि नहीं रखना, राइट। कोई ये सिखाने इसके आप आपके पास से पैसे ले लेगा बाद में, यही चीजें होंगी। इसलिए कि आप लाइव ही करो, यहाँ पे मैं मन से सिखा रहा हूँ मेरे, तो आप आ जाओ, ठीक है। तो वह करो, लाइव ही करो, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइव ही करो, क्योंकि आपके लिए ही है, राइट। आपके रिक्वेस्ट पे ही हमने किया हुआ है, और मेरे पास ऑलरेडी एल्बम्स है करने को, क्योंकि एक एक घंटा मैं आपके लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो तो टूल्स का भी आपको क्लियर हो गया होगा कि टूल्स है तो यहाँ पे फोटो के लिए होंगे। तो फोटो एडिटिंग में, राइट, एक क्वेश्चन सिंपल फिर से, राइट। फोटो, अभी आप कमेंट लिखना यहाँ पे, फोटो एडिटिंग मतलब क्या, फोटो एडिटिंग मतलब क्या, चलो लिखो अभी यहाँ पे, अभी आप लिखो यहाँ पे कमेंट में, चैट में, कि आपको क्या पता है कि फोटो एडिटिंग मतलब क्या। मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो लिखो। फोटो एडिटिंग मतलब फोटो का टोन चेंज करना, ओके, एक बोले फोटो टोन चेंज करना। फोटो को बेटर दिखाना, गुड लुकिंग, कलर करेक्शन, डार्क एंड ब्राइट करेक्शन, रिटचिंग करना, सही है। फोटो एडिटिंग मतलब, ठीक है। देखो फोटो एडिटिंग सिंपल, कि जो आप बोल रहे हो वो सब सही है,
सब सही है राइट। फोटो एडिटिंग ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। फोटो एडिटिंग करना मतलब जो राइट, अगर मैं यहाँ पे पूछू क्या करना, फॉर एग्जाम्पल मैं कैमरा ओपन कर दू यहाँ से, जो कि आपने मोबाइल लाइट रूम वगैरह में आपने किया होगा राइट, या फिर द ग्रेट इंडियन लैब एनहांस करना, सब चीजें सही होंगी आप जो बोलोगे। तो जो फोटो एडिटिंग होता है तो वही राइट, उसमें एक्सपोजर आ गया, कॉन्ट्रास्ट आ गया, हाइलाइट्स आ गए, शेडो, व्हाइट, ब्लैक, उसमें टेक्सचर, क्लियरिटी, डिहेंस, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, कलर ग्रेडिंग करना, वो करना, सब मतलब फोटो एडिटिंग राइट। जो सेकेंड नंबर स्टेप था हमारा कि हमने किया था राइट, ये मोटिवेशन उन्होंने सही लिखा है कि गलतियां सुधारना, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे सिंपल टर्म में, फोटोशॉप में। तो ये इसी के ऊपर हम टूल सीखते हैं। तो देखो टूल्स कैसे किसके बेस के ऊपर होंगे हम देखते हैं फोटो एडिटिंग में, ठीक है। एक होंगे टूल्स बोल लो, उसमें लेयर्स बोल लो, एडजस्टमेंट्स बोल लो, तो उसमें ग्रुपिंग होगी राइट। ये भी पार्ट है हमारे जो फोटोशॉप के सीरीज में हो गया हो वो आप वहाँ पे डिटेल दे सकते हो। वो ग्रुप होगा यहाँ से राइट। तो ये ग्रुप है, इसमें क्या होगा आपका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक होगा आपका लाइट का ग्रुप होगा, एक होगा आपका कलर का ग्रुप होगा। तो कलर में क्या होगा, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, सिलेक्टिव कलर और बहुत, ठीक है। कंप्लीट नहीं लेते हम ये जो है राइट। तो अभी यूनिटी इज अ पावर करके एक है वो मेरा यहाँ पे जीरो टू हीरो सेशन में, आप वो वहां से देख सकते हो, सही है। तो ये होगा, तो इसी के लिए जो टूल्स है जो यहाँ पे है, और मेन एक ग्रुप होगा यहाँ पे बेस्ट है कि सिलेक्शन राइट। तो ये टूल होते हैं। तो हमारे यूजफुल कौन से टूल है राइट, एल्बम डिजाइन के लिए हमारे लिए कौन से यूज टूल है। तो सबसे पहला मूव टूल, मूव करने के लिए। मूव टूल बस आपको मूव करने के लिए पता होगा, पर इसके बहुत है, इसमें अलाइनमेंट्स वगैरह सब पार्ट इसमें आता है। सेकेंड है यहाँ पे राइट ये ब्रश टूल, ओके। थर्ड चीज यहाँ पे आती है आपका क्लोन स्टैम्प टूल, रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है इसकी तब हम इसको क्लोन स्टैम्प टूल। बाद में फोर नंबर पे आएगा आपका यहाँ पे टेक्स्ट टूल, लिख के ले लो, डायरी रखो आप, लिखो उसमें, ठीक है। फाइव नंबर है यहाँ पे कि आपका होगा शेप टूल, ये चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये शॉर्टकट्स का पूछ रहे थे, तो शॉर्टकट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मूव टूल वी हो जाएगा, ब्रश टूल बी हो जाएगा, क्लोन टाइम टूल आपका एस हो जाएगा। देखते हैं हम एस है क्या, हाँ एस ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ कभी कभी शॉर्टकट्स मेरे हिसाब से राइट। अभी आप देख सकते हो कि आपके टूल्स में अलग अलग होंगे, यहाँ पे मेरे सब अलग अलग शेप से, वो मैंने कस्टमाइज किए हुए, वो हम बाद में देख लेंगे। टी फॉर टेक्स्ट टूल, शेप का होगा यू, यू से होगा आपका शेप टूल, डन। ये शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट्स आपके बार बार यूज होंगे, ये टूल्स होंगे एल्बम डिजाइनिंग के लिए। सब टूल्स पता होना कंपलसरी नहीं होता, हमारा काम क्या है वही हमारा काम वहां पे होता है एल्बम डिजाइन में, ओके। वही हमारा है, ज्यादा टूल्स यहाँ पे काम नहीं आते, ज्यादा सीखोगे तो फंस जाओगे, कम सीखोगे तो बच जाओगे, ठीक है। वो ऐसा सिस्टम है इसमें। तो ये टूल है पास टूल, ठीक है, इसी से होता है, ठीक है। बाकी के ऊपर चलते हैं, तो लेयर्स यहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा इसलिए मैं इसको करता हूँ डिलीट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेयर्स, ठीक है। लेयर्स सीखेंगे एंड लेयर मास्क, बेसिक चीज है। लेयर्स मतलब क्या, लाइक इसको मैं अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। लेयर्स एंड लेयर मास्क को, तो लेयर मतलब क्या समझ लो कि बर्गर समझ लो एक राइट, बर्गर हो गया यहाँ पे। चलो कि अभी आप जो लगाओगे, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर हो गई आपकी, इसके ऊपर आपने चलो कि टोमेटो लगा दिया, ऐसे समझ लेते, ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई, इसके ऊपर आपने हरे पत्ते लगा दिए, ठीक है, इस टाइप से।
आधे पत्ते की आपकी थर्ड लेयर हो गई। ओके, यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर आपने चलो कि वो आलू के पैटी रख दी। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ लेयर हो गई। अभी आपको जितना बर्गर बड़ा करना है करते जाओ। आगे जाके किसी ने यहाँ पे, अभी यहाँ पे कौन है, लोकेश है। लोकेश ने यहाँ पे क्या किया, पनीर भी डाल दिया। उसको पनीर चाहिए, तो लोकेश ने यहाँ पे पनीर डाल दिया। तो पनीर की कौन सी हो गई, पांचवी लेयर हो गई। अभी वो दिखेगा नहीं व्हाइट पे व्हाइट, तो फिफ्थ लेयर कौन सी हो गई, पनीर डाला समझ लो, ये हो गया आपकी फाइव लेयर। तो आपको जितना चाहिए यहाँ पे, हर कोई आएगा हर को अलग अलग चाहिए होगा, सही है। तो जिसको जैसा चाहिए वो बनाओ, तो वो आपका बर्गर यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट में आपने क्या किया, फिर से ब्रेड लगा दिया ऐसे इतना, ठीक है, और डॉट डॉट अच्छा दिखे, तो ये आपका टॉप लेयर आपकी ये हो जाएगी। सही है, इजी है ये सबको आपको समझ में आ गया होगा, जो बिगिनर है जिसको सीखना है, राइट। क्योंकि लेयर हमारे बहुत ज्यादा होती है, हम बहुत लेयर्स पे काम करते हैं। तो लेयर, तो आप पूछो कि लेयर्स होता कहाँ पे, राइट। तो जो फोर्थ पार्ट है, जो हमारा जो है लेयर्स का, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो इसको मैं कर दिया डिलीट। चलो आगे, तो अभी हम बर्गर है जो हम बनाएंगे, और उसमें मैं आपको टूल्स का भी यूजेस सिखाऊंगा, राइट। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे बर्गर वो बनाना है वैसे, ठीक है। तो अभी मैंने देखो शेप टूल है, हमने शॉर्टकट क्या दिया, यू था क्या, तो मैंने यू दबाया, राइट। तो यहाँ पे कस्टम शेप में गए, यहाँ पे मैं जाके कुछ तो देखता हूँ कि बर्गर जैसा कोई शेप मेरे को मिल जाए, तो मैं यहाँ से वो ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हमें कोई अलग बनाना पड़ेगा यहाँ पे वैसा शेप, क्योंकि मेरे को इजी बताना है आज एकदम। चलो मान लेते हैं कि हमारा ये वाला शेप मैंने ले लिया, राइट। ये शेप जो बर्गर का वो ब्रेड का वो पार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सही है। इसको कलर मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, कुछ ब्रेड की तरह ऐसा कलर ले लिया उसका, समझ लो आप, ये समझो बस। ये क्या हो गया मेरा लेयर, राइट। तभी आप यहाँ से देखो, मैं ब्लर दिख रहा हूँ, स्क्रीन ब्लर दिख रही होगी ना, वो होगा उसका कोई नहीं इतना होता रहेगा, आपका नेटवर्क डाउन हो गया होगा, ठीक है। सभी को है क्या, दिख रहा है क्या, स्क्रीन विजिबल है क्या सही से, बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आगे, ये ब्रेड है, ठीक है। अब ये लेयर है, राइट। तो ये लेयर को मैंने क्या पे लिखा, बेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस, सही है। मैंने यहाँ पे बेस लिख दिया इसका, ठीक है। अभी इसके ऊपर मुझे टोमेटो करना है, तो आपको सिंपल है, यहाँ पे कोने में जाना है, यहाँ पे एक न्यू लेयर करना है। इस न्यू लेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से चलो कभी पे टोमेटो डालने हैं, तो यहाँ पे ले लिए, सर्कल है मेरा, राइट। तो मैं ऐसे टोमेटो लगा देता हूँ, देखो शेप है। आपको अगर एकदम परफेक्ट चाहिए होगा तो शिफ्ट दबाओ, राइट, उससे हो जाएगा। नहीं तो आपको रैंडमाइज चाहिए तो अपने हिसाब से ड्रॉ करो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। इसका कलर अभी देखो, अभी जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, अभी ये प्रॉपर्टी शेप टूल का, तो मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि तीन जगह पे आपको ध्यान देना, राइट। अभी देखो शेप टूल सिलेक्टेड है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, राइट। मैं डिजाइन सिखाते टाइम पे माइक ऑफ ही रखने वाला हूँ, तो उसमें आपका बहुत पार्ट परफेक्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जब मैं डिजाइन करूंगा तब आपको देना है, तब जाके आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। तो वन नंबर पे मेरा शेप टूल सिलेक्ट, ओके, टिक मार्क कर दे, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो फिल देखो कलर कौन सा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक कलर है, स्ट्रोक है क्या उसको, नहीं है, बाकी उसका हीट विड्थ एंड हाइट वहां पे आ गए, ओके। तो एक नोट लिख लो कि सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कहते हैं सेकेंड नंबर से मस्ती नहीं, हम हमारी लैंग्वेज में सीखेंगे, सही है। यहाँ पे हमें कोई मस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो अभी रहेगी यहाँ पे मस्ती नहीं करनी, तो कहाँ पे करनी है, थर्ड नंबर, ठीक
ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा। सिंपली मैं थर्ड नंबर देखो यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे किया क्लिक, ओके, यहाँ पे मैं कलर मुझे रेड चाहिए तो मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया, कर दिया, ओके, हो गया कलर चेंज, ओके डन, सही है। अब मेरे को और चाहिए तो मैंने यहाँ से इतना किया, यहाँ पे लगा दिया, इसका कलर मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया, ठीक है। तो देखो तीन लेयर हमने बनाई, बेस बनाया, उसके ऊपर हमने टोमेटो रख दिए। अभी परफेक्ट ड्राइंग नहीं होगी, आपको समझने के लिए बस लेयर का कंसेप्ट, ओके, चलो इतना हो गया, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी चलो कि हमें क्या डालना है यहाँ पे, पनीर के क्यूब्स डालने हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। चलो अभी मैंने एक न्यू लेयर ले लिया, राइट, यहाँ पे मुझे पनीर, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे मैंने पनीर ड्रॉ कर दिया, राइट, ऐसे किया, और मैंने यहाँ से का कलर थोड़ा सा ऐसे रख दिया, समझ लो कि ये पनीर है, हल्का सा मैं जल्दी ले लेता हूँ, समझ लो कि ये पनीर है हमारा का, ठीक है, ये कर लिया, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एक कॉपी निकाल, देखो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कॉपी निकालना, फॉर एग्जाम्पल कि इसका डुप्लीकेट निकालना, तो इसलिए राइट क्लिक करके कर सकते हैं आप, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, शॉर्टकट है कंट्रोल जे, लिख के ले लो कंट्रोल जे, जब आप कीबोर्ड पे कंट्रोल जे दबाओगे तो एक कॉपी हो जाएगी और लेयर के नाम के सामने कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये कॉपी हो गई, ठीक है। अभी पनीर क्या सभी सेम साइज के है क्या, तो नहीं है, तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा है ऐसे, तो मैंने यहाँ से क्या किया उसको चेंज कर लिया, राइट, तो यहाँ पे चेंज कर लिया। अभी मेरा मूव टूल सिलेक्ट है, राइट, मूव टूल में भी ऊपर देखो कि शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये आपको ऑन होना चाहिए, नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं कहाँ पे छोटा बड़ा करना है, तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आपका होना चाहिए, आप इसको थोड़ा ऐसे ऊपर भी रख सकते हो, तो मैं थोड़ा ऐसे रख दिया, सही है। आपको चाहिए कि और पनीर है वो डालना है हमको, ठीक है, हमने ऐसा डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट समझो बस, दिया यहाँ पे मैंने छोटा करके डाल दिया, तो मैंने ऐसे कर डाले। अभी आप बोले कि आपने राइट क्लिक करके वो कैसे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, यू आप नाम कैसे आ रही है इसका, तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उधर आओ, राइट क्लिक करो, राइट, अभी बेस पे नाम दिया तो बेस सिलेक्ट हो गया, राइट, यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, हो गया, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके लेयर ढूंढते बैठते, तो वो नहीं करना है आपको, आपको करना है उस लेयर पे आना है, राइट क्लिक करना है, रेक्टेंगल, डन, यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक सिलेक्ट, राइट क्लिक सिलेक्ट, जो चाहिए वो, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी चलो ये आइटम हमने इतने डाल दी, अभी अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अनिकेत देख रहा है यहाँ पे लाइव, तो ठीक है, अनिकेत का है यहाँ पे कि नहीं, ये है ना टोमेटो नीचे होने चाहिए और पनीर ऊपर होने चाहिए, मेरे को तो उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिंपली कैसे कर सकते हैं कि अभी पनीर का ग्रुप बनाएंगे हम, राइट, ये पनीर हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट, ये सिलेक्ट किया, देख सकते हैं कंट्रोल अंडू किया मैंने, सिंपली अभी ग्रुप बनाएंगे, ठीक, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है क्या, ठीक है, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ये कर दिया, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, अभी समझो मैंने पनीर लिख दिया यहाँ पे, ओके किया, तो यहाँ पे ग्रुप बन गया, और शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी, ठीक है, मैं आपको लिख के दे दूंगा ये होने के बाद, कंट्रोल जी, ठीक है, ये पनीर का ग्रुप हो गया, एक दो टोमेटो के स्लाइसेज है हमारे, समझ लो कि इसका एक ग्रुप बन गया, सही है। अभी क्या चाहिए कि पनीर हमको नीचे चाहिए, तो पनीर अभी हमने, अभी हम नाम दे देते ना समझने के लिए, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पनीर, ओके, इसको मैंने ले लिया नीचे, ठीक है, नीचे आपको लेते टाइम पे वो ब्लू लाइन आनी चाहिए, आ गई, रख दिया, तो यहाँ पे जा रहा है, इसको ले लिया नीचे, ओके, ये टोमेटोज है, तो मैं टोच, ठीक है, इसको ऊपर लेके आ गए, तो ये ऊपर हमने रख दिया, ये नीचे रख दिया हमने, सही है। तो अभी हम चाहे कि इसके नीचे चले जाए ऐसे दिखे, तो ये इसके ऊपर आ गया, समझ लो, इसको हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी बेस है, इसको मुझे ऊपर से ढकना है, अभी चाहिए कि वो कैंसिल कर दिया, पहले था वैसे हमने यहाँ पे कर दिया, तो बेस को हमने कंट्रोल जी से कॉपी किया, इसको मैंने टॉप पे लेके आ गया इसको, राइट, अभी ये ग्रुप में जा रहा है, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे आ गया, इसको मैंने यहाँ पे टॉप पे रख दिया, ठीक है। अभी ड्राइंग वगैरह अभी इसके ऊपर हम नहीं जाते, राइट, यहाँ पे अगर मैंने पेंट किया होता तो आपको समझ में आता था, पर मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं हमेशा ड्रॉ करता हूँ, पर मैंने आपको आज शेप का बता दिया, तो आप शेप कैसे ले सकते हो, उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, वो पार्ट मैंने ले लिया, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये आपको क्लियर है, ओके,
लिखो ओके क्लियर है यहाँ तक। ठीक है देखो आप ओके क्लियर है। ओके समझ में आ रहा है कि आपको लैंग्वेज इजी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे, एकदम कोई इतने हार्ड रॉकेट साइंस वैसी लैंग्वेज हम यूज नहीं कर रहे, देसी लैंग्वेज में हम सीख रहे। ओके चलो यहाँ पे क्लियर क्लियर रवि लोकेश नवनीत ओके थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पार्ट लिया एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो कि क्लियर है सभी को। फर्स्ट है कि फोर थिंग्स, तो फोर थिंग्स हमारी जो क्लियर होनी चाहिए आज के सेशन का जो मेन मेन पार्ट है वो में, फर्स्ट है आपका टूल्स, सेकंड है टूल प्रॉपर्टीज, थर्ड है आपका नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है वो प्रॉपर्टीज का पैनल, और फोर्थ होगा आपका लेयर्स। ठीक है ये पार्ट हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक चलो टूल्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। बाद में हमने लिया कि टूल्स क्या होते हैं, टूल्स इज अ साधन, मतलब कुछ तो यूज करने के लिए, काम करने के लिए, जो कि बेसिक है हमको पता भी है। उसमें हमने पार्ट देखे ग्रुप्स के, ठीक है उसमें होगा हमने देखा लाइट के लिए कोई टूल्स होंगे, लेयर्स होंगे राइट, और कलर्स के लिए होंगे कोई आपके यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हो गया, बाकी भी ग्रुप्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्रॉप करने के लिए हो गए, यहाँ पे आपको रिटचिंग के हो गए, ऐसे ग्रुप्स होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ये सेशन मेरा जो 0 to 0 है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे एक पूछ रहे कि 3 नंबर बताइए, ठीक है तो 3 नंबर को मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाउट है आज ही सॉल्व हो जाने चाहिए, और इसके आज जो इसके आप डाउट पूछोगे मैं वो क्लियर कर दूंगा आपको। सही है फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने शेप टूल लिया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक शेप, मैंने ओके किया तो मेरा एक शेप हो गया राइट। जो भी टूल लिया अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल लिया, तो ये रेक्टेंगल लेयर सिलेक्ट है। तो एक ध्यान रखना है आपको जो हम 3 नंबर बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज का सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, सिलेक्ट लेयर राइट, किसका करना है भाई, किसका प्रॉपर्टी चेंज करना है वो बताओ फोटोशॉप को, फोटोशॉप को नहीं पता, फोटोशॉप के पास सब है, उसको बताओ कि किसका प्रॉपर्टी चेंज करना है। तो हमें बताना है ये जो रेक्टेंगल नाम लिखा लेयर है ना उसका प्रॉपर्टी चेंज करना है। ठीक है तो हमने वो सिलेक्ट किया, तो वो सिलेक्ट किया तो ये प्रॉपर्टीज आपको आ गई राइट। पर अभी देखो यहाँ पे मैं समझो कि यहाँ पे बैकग्राउंड किया सिलेक्ट, तो बैकग्राउंड की ये प्रॉपर्टीज आई क्योंकि बैकग्राउंड का लेयर सिलेक्ट है, रेक्टेंगल वन किया तो रेक्टेंगल आ गए, तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये प्रॉपर्टीज हो गई रेक्टेंगल की। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, हाइट विड्थ की, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए यहाँ पे कि 4000 आपका पिक्सल हो, 4000 पिक्सल में हो, हाइट आपकी हो 2000, तो ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है एक्स वाई मतलब क्या, तो हमने स्कूल में भी सीखा है कि ग्राफ निकालते थे एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देन इसमें और कुछ नहीं है, इसका यूज भी नहीं होता। नीचे आते हैं यहाँ पे तो कलर चेंज करना, रेक्टेंगल का कलर है अगर आपका शेप होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए वैसे। ठीक है फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा चाहिए अभी तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है रेक्टेंगल वन सिलेक्ट किया, बाद में यहाँ पे स्ट्रोक का आ गया। ठीक है अभी नीचे के जो ऑप्शन है वो मैं आज के लिए कोई इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हमारा काम यहाँ पे हो जाता है। चलो अभी यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, अभी इसको मैं क्या कर रहा हूँ देखो, जो रेक्टेंगल था वो मेरा क्या हो गया, यहाँ से उसके कॉर्नर्स वो क्या हो गए राउंडेड हो गए। ठीक है तो ये लिंक का ऑप्शन है, देखो लिंक चारों लिंक है, अभी लिंक को हटा दू। ठीक है मैं बोलता हूँ ये जो टॉप कॉर्नर है मतलब ये वाला राइट इमेजेस का, ये क्या कर दो 500 पिक्सल मेरे को राउंड कर दो, तो कर दिया इसने। आप बोलो नहीं 1500 करके दो, तो 1500 नहीं करेगा वो, यहाँ पे आ रहा है 1000 के बीच तक ही हो पाएगा तो उसने 1000 कर दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो नीचे का है वो भी 1000 कर दो, चलो 1000 लिख दिया।
तो हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट है, 3 नंबर का आपका वो होगा यहाँ पे, ठीक है। पर चलो कि अभी तक ये टूल था, अभी मैं समझो कि टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन किसने पूछा था, रवि आर्या ने, तो रवि आर्या मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपर्टीज देखो, तो इनका फॉन्ट आप अलग चेंज कर सकते हो, सही है। यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे उसका लीडिंग आएगा कि स्पेस में डिस्टेंस कितना जाएगा, ठीक है। वो पूरा पार्ट है, अभी यहाँ पे एडवांस में वो हो जाएगा। तो कोई भी सिलेक्ट करो टूल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रश किया तो ब्रश का तो नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल न्यू लेयर लिया मैंने यहाँ पे अभी पेंट किया, ठीक है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे उसका आ जाएगा, ठीक है। तो उनका भी रिप्लाई आ गया कि उनको क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो लेयर्स पे थे हम, ठीक है। तो लेयर्स के आते हैं, तो लेयर्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम देखेंगे। लेयर्स, तो लेयर्स में है कोई बेसिक बेसिक जो हमारे काम में, राइट। मैं सब चीजें नहीं बताता हूँ, इसका इतना बड़ा टॉपिक है कि लेयर्स में भी मैं 2 घंटे का लेक्चर ले लूंगा, ठीक है, उतना नहीं जाएंगे हम। तो लेयर्स में आपको आना चाहिए सबसे फर्स्ट की क्लिपिंग मास्क, देखने वाले हैं फर्स्ट। सेकंड क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेयर मास्क, क्लिपिंग मास्क एंड लेयर मास्क, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स, और फोर्थ नंबर ज्यादा नहीं, लेयर स्टाइल्स, ठीक है। ये इतना ही यहाँ पे होना चाहिए, क्लिपिंग मास्क, लेयर मास्क, एडजस्टमेंट लेयर, लेयर स्टाइल्स, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है। तो लेयर का आप सभी को क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे इस एग्जाम्पल से सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे डिजाइन में एक यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स है, इस पे मुझे फोटो डालना है, राइट। आप में से बहुत लोग कैसे कर रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग वेज से कर रहे होंगे, राइट। मैं यहाँ से कोई फोटो ले लेता हूँ पिक्चर्स में से, चलो कि यहाँ पे मैं मेरा ही फोटो ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने मेरा फोटो, ठीक है। अब ये फोटो मुझे इसमें डालना है, किसमें, इस रेक्टेंगल में। तो राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया तो ये फोटो इसमें आ गया। अभी इसमें आप क्या कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया, राइट। उसको ओके किया, डन। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रास्ट मोड टूल का ऑन होना चाहिए हमेशा, राइट। तो ये क्लिपिंग मास्क आपका ऐसे होगा, वेडिंग एल्बम डिजाइन में फोटो फिल करने के लिए हम क्लिपिंग मास्क का यूज करेंगे, नहीं तो कोई भी लेयर निचले लेयर के ऊपर हमें बिठाना हो। फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है, मैंने एक और रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया ऐसे, इसका कलर मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने रेड कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, जो पार्ट इसके अंदर चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट क्लिपिंग मास्क, राइट, डन। ये यहाँ पे हो गया, मैं यहाँ पे इसको मूव कर सकता हूँ, इसी के अंदर ही यहाँ पे इसका एरिया है, वो बाहर नहीं करेगा कुछ, ओके। तो क्लिपिंग मास्क कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि बस क्लिप करना है आपको और उसमें कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई क्लिप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉन्ट में भी कर सकते हैं आप, सब जगह पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया अंजित, ठीक है, उसको मैंने कर दिया ये दो, उसको मैंने बढ़ा दिया, ओके। यहाँ से अब हम लोग इसमें डालना है तो डाल सकते हैं क्या, चलो देखते हैं डालते हैं। मैंने यहाँ से कोई फोटो ले लिया रैंडम, यहाँ पे मैंने क्लिपिंग मास्क किया, राइट। राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, डन। इसको आप मूव कर सकते हो कुछ भी, बड़ा छोटा, ये राइट क्लिक करके आप उसी को राइट क्लिक करके आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, उसको रोटेट, सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। तो क्लिपिंग मास्क आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट है, तो यहाँ पे मैं क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट है कि आज की मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी है वो आप देख सकते हो, वहां पे मैंने डाला था। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी आपके कीबोर्ड पर प्रेस करोगे तो क्लिपिंग मास्क हो भी जाएगा, ठीक है। अगर हुआ है तो रिलीज भी हो जाएगा यही दबाने से, ठीक है। हम एक बार देखते हैं यहाँ पे,
चलो कि मैंने यहाँ पे एक कर दिए रेक्टेंगल किया, अपनी कॉपी निकाली कंट्रोल जी से, मैंने इसको ये किया राइट, कंट्रोल अल्ट जी दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे तो क्लिपिंग मास हो भी गया, फिर से कंट्रोल अल्ट जी दबाया तो क्लिपिंग मास निकल भी गया, मतलब रिलीज भी हो गया वहां से। ओके तो ये भी यहाँ से आपका क्लियर है, चलते हैं आगे। तो पॉइंट नंबर वन क्लियर है, मैं यहाँ पे रेड कलर लिया, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, डन है बात। ठीक है, अभी लेयर मास्क का थोड़ा मैं डेप्थ में जाऊंगा, इससे पहले मैं एडजस्टमेंट लेयर बताता हूँ और लेयर स्टाइल्स बता देता हूँ। ठीक है, तो एडजस्टमेंट लेयर क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फोटो फिर से ओपन कर देता हूँ, कौन सा करता हूँ यहाँ पे फोटो, चलो कि मैं एल्बम का पेज ही मेरा ओपन करा जो रिसेंट मैंने डाला है राइट, तो ये मैंने पेज यहाँ पे ओपन किया, इसमें लेयर्स नहीं है, फ्लैट इमेज चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो एडजस्टमेंट लेयर्स होते का है राइट, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये देखो एक तो आपका लेयर ग्रुप का यहाँ पे मार्क भी कर रहा हूँ, आपको दिखेगा सही है, तो यहाँ पे क्या है वो एडजस्टमेंट लेयर नीचे, सही है, तो एडजस्टमेंट लेयर पे आ गए मैं, यहाँ पे क्लिक किया राइट, तो अभी देखो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, कलर्स के व्हाटएवर, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे इमेज की तरह देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको मुझे करना है तो यहाँ पे डार्क वो हम यहाँ पे कर सकते, ठीक है, वो हम यहाँ से इजीली उसको कर सकते, इसके ऊपर हम डेप्थ में वीडियो बनाएंगे फोटोशॉप सीरीज में, ठीक है, एक एक मिनट में सिखाऊंगा वो तो आपको, वो इंस्टाग्राम पे सीरीज अपलोड होगी, एक एक मिनट में आप पूरा फोटोशॉप सीख जाओगे, 1 1 मिनट में, इतना इजी है ये राइट, डिजाइन पार्ट हार्ड होता है, बस समझना, कंसेप्ट समझना, थिंकिंग करना, डिजाइन थिंकिंग करना, वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो एडजस्टमेंट लेयर भी हमारा हो गया, लेयर स्टाइल मतलब सेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मेरा, ठीक है ये नाम लिखा, तो लेयर स्टाइल मतलब क्या, यहाँ पे गए हम, ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन है यहाँ पे बहुत सारे, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन पे भी क्लिक करो, ये सब लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाएगा, तो आप इसको स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक पे क्लिक करो, स्ट्रोक कौन से कलर का चाहिए, रेड कलर का चाहिए, साइज कितना चाहिए, तो बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, स्ट्रोक का पोजिशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इनसाइड सेंटर वट एवर, हमें एल्बम डिजाइन के लिए आपको हमेशा इनसाइड रखना है, ठीक है वो करना है, तो लेयर स्टाइल बहुत होते हैं अलग अलग टाइप के, इसका स्टडी आपको मैं दे देता हूँ कि आप कर देना, आज के लिए स्टडी आपका वो रहेगा कि लेयर स्टाइल क्या है वो देखना, ठीक है, आप में से बहुत लोगों को पहले से आ रहा होगा, ठीक है, तो आप क्या करो कुछ मत करो, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखो राइट, आप नोट्स बना सकते हो सिंपली जो हम सीख रहे हो, तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, सॉरी रह गया लेयर मास्क, इंपॉर्टेंट पार्ट है समझना एज अ बिगिनर, लेयर मास्क, ठीक है, तो ये देखो लेयर मास्क को मैं एकदम इजी से समझाता हूँ, लेयर लेयर मतलब पता है हमको कि क्या है, समझना है, मास्क मास्क मतलब छुपाना, जो भी सुपर हीरोज होते हैं वो अपना फेस छुपाते हैं किससे, मास्क से, ठीक है, क्रीश हो गया राइट, स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, बहुत सारे जो थे देख लो आप कि वो मास्क पहनते, तो मास्क मतलब क्या कि छुपाना, एकदम इजी, बहुत बड़ा बड़ा नहीं इसमें छुपाना, तो क्या छुपाना है, लेयर मास्क, तो लेयर को छुपाना है, इसका मतलब लेयर तो होगी पर छुपी हुई होगी, ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन समझने के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे क्रिश का फोटो, कॉपीराइट ना दे दे बस, क्रिश का फोटो ले, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया फोटो, फिर सब पार्ट मैंने लिया, पर मैं या सीरीज के लिए फिर से ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है, अभी देखो ये फोटो, और इस फोटो को सिंपली समझने के लिए क्या करता हूँ, हाँ जैसे कोरोना में फेस मास्क राइट, क्यों, छुपाने के लिए, छुपाने के लिए वो तो वायरस से बचने के लिए, वायरस से छुपने के लिए,
राइट। चलो तो ये है, इसको मैंने क्या किया अभी, अभी ये मत समझो कि मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट किया, ठीक है। तो बेस्ट है, इस फोटो को मैंने बड़ा भी कर दिया, ठीक है। तो एडिटिंग हमेशा स्टार्ट होता है, लर्निंग स्टार्ट होती है हमेशा कोई भी ऑब्जर्वेशन से, राइट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मास्क पेन आए वो ब्लैक का ज्यादा है, सही है। जो फेस दिखाई दे रहा है वो कौन सा कलर है, यहाँ पे हम व्हाइट पकड़ लेते हैं, ओके। ये एकदम ही देखो बहुत है, आपको ये टॉपिक में बहुत हार्ड करके भी बता सकता हूँ, पर ये इजी एकदम, बहुत इजी कर दिया मैंने, सही है। यहाँ पे हमने बहुत इसको इजी कर दिया, बहुत मतलब बहुत इजी कर दिया इसको, ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक मतलब हाइड, व्हाइट मतलब शो, ठीक है। ब्लैक मतलब यहाँ पे लिख देते, ब्लैक मतलब हाइड होगा लेयर, व्हाइट मतलब रिवील होगा, ओके डन। और हमें कुछ नहीं चाहिए अभी, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जाता हूँ, राइट। जो कि एक में यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे पास एक टॉम था, जैक था, जैक डॉग था हमारा, एक सेशन में आता था, कौन सा दू कौन सा दू, जस्ट वेट करो, फिर टाइम दे दो इमेज लेने के लिए। राइट एक में बेबी का फोटो है वो मैं ऑन कर लेता, चलिए ये वाला ले लेता, राइट। तो ये फोटो है, सही है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सिंपल मैंने यहाँ पे ले लिया अभी, हाँ मैं मतलब होता कहाँ है वो तो बताओ, लेयर मास्क होता है यहाँ पे नीचे, राइट। शक्तिमान, शक्तिमान थोड़ी मास्क पहनता है, मैंने तो नहीं देखा बाबा शक्तिमान का मास्क पहनते हुए। तो देखो लेयर मास्क है यहाँ पे, बस आपको करना क्या है, लेयर मास्क पे आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। व्हाइट आ गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि ब्लैक होगा तो वो हाइड करेगा, व्हाइट होगा वो रिवील करेगा। तो आपको भी करना कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रश लिया मैंने, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, जब आपका लेयर मास्क सिलेक्ट होता है तो वहां पे दो कलर ही होते हैं, ठीक है। एक तो लेयर मास्क, ठीक है, तो एक तो व्हाइट और ब्लैक, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, ठीक है। तो ब्लैक से क्या होगा, ये हाइड होगा, तो क्या हाइड करना है हमको, ठीक है, ये पार्ट हाइड करना है, तो इसको हम हाइड करते हैं, राइट। देखो लेयर मास्क सिलेक्ट होना चाहिए आपको, लेयर मास्क सिलेक्ट होना चाहिए आपको, और यहाँ से आप पेंट कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सही है। बस मैं वो दिखा रहा हूँ, प्रॉपर सिलेक्शन का नहीं देख रहे हम, कंसेप्ट समझो आप, नहीं तो आप फिर वो टॉपिक चेंज कर दोगे कि हाँ कि वो सिलेक्शन कैसे करना है, एक्यूरेट सिलेक्शन, वो उसमें मत जाओ, राइट। हो गया कुछ, तो ऐसा हो गया, अरे ये तो चला गया, अभी कैसे लाएंगे इसको, व्हाइट कलर लेंगे, यहाँ से हम इसको रिवील करेंगे, व्हाइट कलर से मैं फिर से पेंट करूंगा, ये पार्ट मेरा फिर से आ जाएगा, ओके। तो ये इतना क्लियर आपको हो गया होगा कि लेयर मास्क में, फॉर एग्जाम्पल अभी गर्ल है, बेबी गर्ल, अभी इसको मैं यहाँ से समझो कि ये वाला पार्ट है, मेरे को यहाँ पे हाइड करना, तो मैंने यहाँ से हाइड किया, राइट, हाइड कर रहा हूँ समझो कि मैंने यहाँ पे ब्रश बड़ा करके मैंने ऐसे हाइड कर लिया, रफली मुझे ऐसा कटआउट सिलेक्शन चाहिए ऐसा मान लो, राइट। तो मैंने यहाँ से ऐसा कर लिया, कटआउट में हाइड कर लिया, सही है। तो ऐसे में हम ले सकते हैं, बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि रिवील करना है तो व्हाइट में, बस कंसेप्ट समझ लो, आप समझ भी गए हो के, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चार कंसेप्ट हमने आज देखे लेयर के, बेसिक बेसिक पार्ट एकदम जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चार चीजें हो गई, राइट। लेयर मास्क, लेयर प्रॉपर्टीज भी देख ली है हमने अलग अलग, यहाँ पे चार चीजें सीखी। फ्लिपिंग मास्क मैं वास्तव पर संमति दे देता हूँ, ठीक है। आज का जो पार्ट था वो मेरा हो गया है वैसे तो बेसिक वाला, पर मैं आज संमति देता हूँ कि आज हमने क्या देखा,
समरी में हमने देखा कि ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम क्लोज का नहीं देखा, सेविंग का वो हम कल देख लेंगे। ओपन डॉक्यूमेंट कैसे करना है, साइज कैसे लेना है, वो हमने देखा, ठीक है। बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पे चार देखे, 4 पॉइंट्स। उसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए टूल्स पे, सेकंड होना चाहिए टूल प्रॉपर्टीज पे, थर्ड पार्ट आपका होना चाहिए नॉर्मल प्रॉपर्टीज पे, और फोर्थ पार्ट आपका होना चाहिए लेयर्स पे। यहाँ पे आपका फोकस होगा हमेशा, ठीक है। बाद में हमने यहाँ पे सीखा लेयर्स का, लेयर्स में हमने 4 पॉइंट देखे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट था क्लिपिंग मास्क, ठीक है। सेकंड था हमारा लेयर मास्क, लेयर मास्क मतलब लेयर को छुपाना, ठीक है। थर्ड पार्ट था हमारा यहाँ पे, ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर, कि डेप्थ में नहीं देख रहे हम बेसिक, जब हम काम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे लेयर स्टाइल्स, ये पार्ट आपको एज अ बेसिक होगा, आपको बस इसमें थोड़ा प्ले करना है, आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये समरी था, कल हम कंटिन्यू करेंगे 1 बजे 1 PM को ही, ठीक है, ये हमारे यूट्यूब लाइव पे। तो अभी यहाँ पे किसके क्वेश्चंस हो आज के रिलेटेड, बाकी के मत पूछो, पूछो मुझे बाकी कुछ भी, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो वो पूछ लो, राइट। एक केदार ने यहाँ पे ऐड किया है कि कलर स्विच करने के लिए एक समय करना है, राइट। तो एकदम सही बताया है उन्होंने भी, समझो कि वो जो हाइड करना है हमको, सही है। तो लेयर मास्क तो पहले होना चाहिए हाइड करने के लिए, तो ये लिया, ब्रश लिया मैंने, ठीक है। अभी व्हाइट है, व्हाइट से क्या होता है, रिवील होता है, तो ब्लैक से क्या होता है, हाइड होता है। देखो तो ये हाइड हो गया, सही, ऐसा हो गया। तो मुझे यहाँ पे व्हाइट चाहिए होगा, तो मुझे एक्स दबाना है कीबोर्ड पे बस, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे से रह गया, तो उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नो इशू। चलो ओके, कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ लो, तो हम अभी यहाँ पे एक स्टॉप ले लेते, कल कंटिन्यू करेंगे। सर ये मास्क यूज कहाँ होता है और बताओ, मास्क यूज होता है अभी एल्बम डिजाइन में जो होते हैं, अभी देखो मैंने बस कंसेप्ट बताया, यूज जैसे होगा वहां पे अलग अलग टाइप से हम यूज करते हैं वहां पे, कि फेदर देने के लिए भी मास्क का यूज करते हैं वहां पे, राइट। यहाँ पे वो लखविंदर सिंह पूछ रहे हैं कि वो लेयर मास्क का एल्बम डिजाइन में कैसे होगा, तो जब हम सीखेंगे वहां पे तब हम वहां पे उसका यूज देख लेंगे उसका, ठीक है। वो मैं करके वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लेयर मास्क पे वो करना है काम, नॉर्मली हम लेयर लेके ब्रश से कर लेते हैं, ठीक है। रवि आते बोल रहे, ओके सर वेरी बेस्ट क्लास सर, थैंक यू, ठीक है। तो आप क्या करो, बहुत लोगों का आपके दोस्त वगैरह उनके साथ भी शेयर करो, वो भी देख लेंगे, राइट, वो भी सीख लेंगे। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। बाकी हम देख लेंगे लेयर मास्क वगैरह, इजी चीज है। तो अभी एक और मिनट, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ स्ट्रीम आज की। ओके चलो, थैंक यू। नए क्वेश्चंस तो कल मिलते हैं 1 बजे यूट्यूब लाइव पे, लिंक ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, राइट। चलो दिल्ली में नहीं, ऐसे सिखाने वाले यार, आप आ जाओ ऑनलाइन सीखो, अब हो गया है, चलो देख लेंगे, कोई नहीं सिखा देंगे हम। तो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।